अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज मेरी जो एक्सप्लेनेशन का टॉपिक है अपने व्यूअर्स के लिए वो है कोहे सफ़ेद के पहाड़ी सिलसिले के हवाले से। आज मैं आपको इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बताऊँगी कि कोहे सफ़ेद का पहाड़ी सिलसिला कहाँ से चला और कहाँ ख़त्म हुआ, और इसके इर्द गिर्द कौन से दरिया आते हैं और कौन से कंट्री से ये जुड़ा हुआ है। मगर उससे पहले चाहूँगी व्यूअर्स कि आपको मेरी वीडियोज़ और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जितनी मेरी न्यू वीडियोस हैं मेरे व्यूअर्स को मिल सकें। इसके अलावा स्नैप वीडियो पे आप मुझे फॉलो करें। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। कोहे सफ़ेद का पहाड़ी सिलसिला। कोहे सफ़ेद का जो पहाड़ी सिलसिला है उसमें दर्राए खैबर और दर्राए कुर्रम, ये इसके दरमियान में वाक़िया है कोहे सफ़ेद का पहाड़ी सिलसिला। इसके साथ साथ इसका पहाड़ी सिलसिला ज़्यादातर तो पाकिस्तान में है कनेक्ट, उसके अलावा अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ इसकी जो बुलंदी है, औसत बुलंदी वो रिकॉर्ड की गई है 3600। और हमारे पास ये जो कोहे सफ़ेद है इसका ज़्यादातर जो पहाड़ी सिलसिला है वो शिरकन तकरीबन जो है वो तवील फैला हुआ है। हमारे पास कोहे सफ़ेद की पहाड़ियाँ सारा साल चोटियाँ जो है वो बर्फ़ से ढकी रहती हैं और सारा साल ये बर्फ़ से कवर रहती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो जो दराए कुर्रम है वो हमारे पास कोहे सफ़ेद के जुनूब में वाक़िया है। उसके अलावा हमारे पास कोहे सफ़ेद में जो दराए खैबर है वो हमारे पास जो है वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ जो है वो मिलाता है, क्योंकि हमारे पास ये दरिया बह रहे हैं जो कि हमारे पास कोहे सफ़ेद के जुनूब में आता है दराए कुर्रम। उसके अलावा हमारे पास जो है वो कहा जाता है कि इसकी जो बुलंदी है वो तकरीबन 3600 जो है फिट बुलंद रिकॉर्ड की गई है। और कोहे सफ़ेद का सिलसिला हमारे पास जो है वो ज़्यादातर पाकिस्तान में कनेक्ट है। इसके अलावा हमारे पास इसकी कुछ पहाड़ियाँ जो हैं जो साल साल बर्फ़ से ढकी रहती हैं वो हमारे पास कुछ अफगानिस्तान में भी जाकर लगती हैं, और अफगानिस्तान में भी कोहे सफ़ेद का पहाड़ी सिलसिला जो है वो चल रहा है और मौजूद है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी कोहे सफ़ेद के पहाड़ी सिलसिले के हवाले से, उसकी थोड़ी सी ज्योग्राफी लोकेशन थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। तो प्लीज़ व्यूअर्स मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे हिस्ट्री ज्योग्राफी के चैनल को आगे लेकर जाएं ताकि आपको और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।